अल्लाह की रहमत से दूर होने वालों को ये नसीहत की थी, दुआ किया करें। सलासु दावतिन युस्तजाबु लहुन ला शक फीहिन, दावतुल मुसाफिर व दावतुल मज़लूम व दावतुल वालिद लवलदी। तीन ऐसी दुआएं हैं उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं, मुसाफिर जब दुआ करता है, मज़लूम की आहो बुका है, और वालिद जब अपनी औलाद के लिए दुआ करता है तो अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल उसे रद्द नहीं करते। बस तीन बातों का ख्याल कर ले, ये वालिदैन हलाल खाने वाले हों, ये वालिदैन नमाज फ़राइज़ की पाबंदी करने वाले हों, और इनके अंदर इखलास हो, इनकी ज़बान से निकली हुई बात को अल्लाह रद्द नहीं करेगा, अल्लाह उनकी औलाद के हक में कबूल करेंगे। दुआएँ किया करें अपनी औलाद के लिए कि अल्लाह इसे उम्मत का इमाम बनाए और उम्मत के लिए नफ़ामंद बनाए, सदक़े जारिया बनाए, और ज़िंदगी में आँखों की ठंडक बनाए, और उनको दस्तोबाजू बनाए, और क़ियामत के दिन रफ़ दराजात का औलाद को सबब बनाए। साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, सलासु दावतिन मुस्तजाबात, तीन दुआएं मकबूल हैं, दावतुल वालिदी आला वलदी, अगर तुम अपने औलाद को बद्दुआ दोगे तो वो भी सुनी जाएगी, बद्दुआ न दिया करो। वदावतुल मुसाफिर वदावतुल मज़लूम वफी रिवाया वदावतुल इमाम अल मुक़्सित, आदिल बादशाह की दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता।